हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल अलग है। इसका नाम है मूंग मेदू बड़ा। ये साबुत मूंग से बनाया हुआ, इसको हम 2 से 3 घंटे तक पानी में अच्छे से धो करके फुला लिए हैं और फूलने के बाद पानी को अलग कर लिए हैं। अब हम इसके मसाले निकालते हैं, जिसमें धनिया, जीरा और लाल मिर्च है। ये 1 चम्मच पोहा है, जिसको हम धो करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। ये धनिया पत्ता है, इसको हम बारीक कट करके मेदू बड़ा में डालेंगे। अब हम मूंग और पोहे को एक साथ पीस लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं इसका। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इधर खड़े मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं। अदरक लहसुन मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 15 मिनट हम फेटेंगे। इसमें हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेते हैं। इसको हम 15 मिनट आराम से फेटेंगे। इसमें हम अभी चाट मसाला ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। अब हम इसमें बारीक हरा धनिया ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको तलते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और बड़ा के आकार बना करके हम उसमें डालते जाएंगे तेल में। इस तरह से एक छलनी की सहायता से हम डालेंगे तेल में और दोनों तरफ मीडियम फ्लेम पे पलट करके पकाएंगे इसको। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है खाने में और बरसात के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम निकाल ले रहे हैं और दूसरी बार हम तेल में डाल रहे हैं। ये देखिए तैयार है।